जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक हनुमान भक्त को उनकी शक्ति जागृत हुई इस चैनल के जुड़ने के बाद, या यूं कह लो कि इस चैनल से जुड़ने के बाद उनको शक्ति मिली। हनुमान जी महाराज के एक दूत या गण उनके पास चले गए, पहुंच गए, और क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी घटना आपको बताता हूँ, जो कि सच्ची है, स्वप्न का स्वप्न नहीं है, रियल में घटना है। पूरी सुने, और ऐसा आपके साथ भी कईयों के साथ हुआ है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है इस चैनल से जुड़ने के बाद, क्योंकि ये चैनल खुद हनुमान जी चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे, इसीलिए ऐसा हुआ। जय श्री राम बोल के शुरू करता हूँ। जय श्री राम। ये भक्त जो हैं, इनका नाम मनीष है, और ये बागेश्वर, जिला बागेश्वर के ही हैं, ठीक है। इन्होंने बताया, भैया मैं 20 साल से हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, 20 ईयर से 20 साल से हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ, ऐसे कभी जागृति नहीं हुई, ऐसी कोई सवारी नहीं आई। दो से तीन साल से, ओ सॉरी, दो तीन महीने से आपके चैनल से जुड़ा हूँ, और जुड़ने के बाद मुझे बहुत सी चीज़ें मालूम चली, और बहुत सी चीज़ मैंने करने की कोशिश की। तो मैंने उसमें से सबसे पहले क्या करने की कोशिश की, मैंने अपनी हनुमान चालीसा बढ़ाने की कोशिश की कि अपनी हनुमान चालीसा बढ़ाता हूँ मैं। तो मैंने रोज 21, 41, 42, 43, रोज 51, 41 ऐसे हनुमान चालीसा करनी शुरू की, और आपके ही बताए हुए तरीके से मैंने पूरे दिन राम 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 का जाप करना शुरू किया, ताकि कमर में दर्द वगैरह ना हो। और मैं आपको भैया एक चीज बता दूं कि मेरे अंदर गंदी आदत भी थी, मैं 20 साल से हनुमान चालीसा तो पढ़ता था, लेकिन मैं नॉनवेज और ड्रिंक भी करता था, लेकिन हनुमान जी की किसी भी शक्ति का कभी अनुभूति नहीं हुई मुझे। आपके चैनल से जुड़ने के बाद कुछ अनुभूतियां हुई, कुछ स्वप्न में भी दिखा, लेकिन जो ये बताने जा रहा हूँ बहुत गजब का अनुभव है, रियल की घटना है। तो मेरी पहली बात तो, आपके चैनल से जुड़ने के बाद नॉन वेज और ड्रिंक करने की आदत छूट गई, हनुमान चालीसा बढ़ा दी मैंने। बढ़ाने के बाद मैं क्या देखता हूँ, मंगलवार के दिन अपने घर में मंदिर में बैठ के मैं पूजा कर रहा था, हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, पढ़ते 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 मेरे शरीर पे हनुमान जी और महाराज अवतरित हो गए। हनुमान जी की सवारी मेरे शरीर पे आ गई है, और ऐसे आई है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, और बहुत बुरी तरह से उछल कूद करने लगा मैं, जिस तरीके से बंदर करता है। वानर रूप में हनुमान जी महाराज अवतरित इनके शरीर पे हुए, या यूं कह लो कि हनुमान जी के गण इनके शरीर पे आए, और कम से कम 10 मिनट तक रहे, और 10 मिनट के दौरान इनके मंदिर में सेब रखे थे, केले रखे थे, सबको फाड़ फाड़ के खा गए। सोचो, इमेजिन करो कि क्या हो रहा होगा उस समय। और इनकी मम्मी पीछे से आई है, तब उन्होंने देखा ये क्या हो रहा, हाथ जोड़े, तब बात करनी शुरू की, इतनी एनर्जी के साथ आया कि डायरेक्ट बात ही करी कि मैं इस बच्चे की रक्षा के लिए आया हूँ। ये बच्चा परेशान रहता है, थोड़ा ये परेशान रहते थे टेंशन की वजह से, काम वाम की वजह, दुकान वगैरह इनकी तो। और इस पे मंत्रों द्वारा किसी ने कुछ बंधन लगाया, वो बंधन काट दूंगा मैं। और इन भक्त के बच्चे भी हैं, तो उन दोनों बच्चों को बुलाया, प्यार से गोद में बिठाया, आशीर्वाद दिया, और बोला कि मुझे झंडा चढ़ाना आपके बार, मंगलवार या शनिवार में मैं इसके मस्तक पे ज्यादातर विराजमान रहूंगा, बच्चे के, और इसके मस्तक पे विराजमान रहूंगा, इसकी रक्षा करूंगा, तुम्हारी पूरी फैमिली की रक्षा करूंगा। मेरे को इस बच्चे ने बहुत पाठ जप जो किया है हनुमान चालीसा का, इतना ज्यादा, उस वजह से मैं अवतरित हूँ। और ऐसे इन्होंने बताया, और उसके बाद से इन्होंने ये बताया कि भैया अगले मंगलवार को मैंने झंडा अर्पित किया, झंडा पहुंचाया, झंडा हनुमान जी महाराज को अर्पित किया, श्री राम जी का झंडा। उसके बाद से अब मेरे शरीर पे आते हैं, हल्के रूप में आते हैं, हल्के रूप में मतलब मुझे मालूम रहता है, लेकिन वो वैसे नहीं, खिलौटी करके नहीं आते जैसे कि उस समय आए थे, पूरी पावर में, हल्की पावर में आते हैं। मुझे पता चल जाता है मेरे पास पास मेरे ऊपर बाबा आ गए, खाते समय या फ्रूट खाते समय आते हैं, और मंगलवार शनिवार जरूर आते हैं। और भैया मैं रोज मंगलवार शनिवार को छोड़ के, सिर्फ मंगलवार को छोड़ के नॉन वेज ड्रिंक करता था, वो मेरी आज छूट गई, अब मैं साधु टाइप का हो गया। और आपके चैनल से जुड़ने के बाद मुझे ये घटना घटी, और हनुमान जी महाराज की प्राप्ति हुई। ये अनुभव, जिला बागेश्वर में रहते हैं, उत्तराखंड से हैं, जिला बागेश्वर के हैं, उन्होंने अपना अनुभव लिख के भेजा, मनीष हैं, और ये अनुभव मैंने आपको बताया।
अनुभव नहीं कहूंगा, जागृत घटना कहूंगा कि हनुमान जी ने शरीर पे अवतरण लिया है। ऐसी घटना बालाजी की कृपा यानी इस चैनल से जुड़ने के बाद हुई, क्योंकि हनुमान जी का ही चैनल है, मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें। और ऐसा आप सबके साथ भी हो सकता है और बहुतों के साथ हुआ है, मैंने सबके लाइव वीडियो भी डाले हैं इसमें। ये अनुभव कैसा लगा आपको हमें जरूर बताना। हनुमान जी महाराज आप पे भी ऐसी कृपा करें, करुणा करें। और इनके लिए एक नोट बताऊंगा मैं, नोट का मतलब एक इनको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको राम जी का नाम बहुत जाप करना है, जो कि ये करते ही होंगे। इस चैनल पे दूत महाराज और दूत महाराज की सेवा कैसे करें, दूत महाराज जब मिल जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, वो इस चैनल पे वीडियो है बालाजी कृपा चैनल पे, कृपया करके वो वीडियो देखें ताकि इनको जानकारी मिले और ये शक्ति जो इनको मिली है वो खो ना बैठे। जय श्री राम।